नमस्कार, मैं हूं हिमांशु वाजपेयी और आप देख रहे हैं किस्सा गोई दी लल्लन टॉप। तो किस्सा गोई में आज किस्सा मशहूर गायिका जगदन बाई का और मशहूर तबला नवाज अहमद जान थिरकवा साहब का। तो एक दफ़ा की बात है, ये दोनों एक नवाब साहब के यहाँ गए जहाँ महफिल थी और इन नवाब साहब के बारे में मशहूर था कि ये बड़े तुनक मिजाज थे, ये अगर गुस्सा हो जाएँ तो फनकार का सर कलम करवा दें और अगर खुश हो जाएँ तो उस पर बारादरियाँ वार दें, जागीरें वार दें। तो बहुत दिनों तक जद्दन बाई ने ख़ास इस महफिल के लिए तैयारी की और तैयारी में सिर्फ एक बंदिश तैयार की। तो जिस दिन महफिल थी उस दिन सुबह जद्दन बाई और थिरकवा साहब मिले तो थिरकवा साहब ने जद्दन बाई से पूछा कि आपने क्या तैयार किया। तो जद्दन बाई ने कहा सिर्फ एक बंदिश तैयार की है, लेकिन ऐसी बंदिश तैयार की है कि नवाब साहब एकदम खुश हो जाएंगे, बिछ जाएंगे। तो थिरकवा साहब बहुत खुश हुए, उन्होंने बंदिश के बोल पूछे। तो जब बोल पूछे तो जद्दन बाई ने कहा कि बोल हैं मुरे पापी नवाब तूने जुलम कियो नैहर मुरा छुड़ाए दियो रे। इतना सुनना था कि थिरकवा साहब के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि भाई जद्दन बाई तुमको शायद पता नहीं कि नवाब साहब कितने अलबेले हैं, ये बहुत गुस्सैल हैं और इनके सामने ये कहना कि मुरे पापी नवाब तूने जुलम कियो, हो सकता है कि सचमुच नवाब साहब के जुल्म हम पर नाजिल हो जाएं और हम पर उनका कहर टूट जाए, तो आप ऐसा करें कि ये बंदिश बदल दें, कोई और बंदिश गा दें आज। तो जद्दन भाई ने कहा कि भाई मैंने पिछले कई दिनों से कुछ और तैयार नहीं किया, सिर्फ ये एक बंदिश तैयार की है, तो मैं और कुछ कैसे गा सकती हूँ, और अगर मैंने बिना तैयारी के गाया तो हो सकता है नवाब साहब और गुस्सा हो जाए। अब थिरकवा साहब के माथे पर चिंता के बल पड़े। कुछ देर उन्होंने सोचा और फिर कहा कि जद्दन भाई आप ऐसा करें कि बंदिश यही रखें, सब कुछ ऐसा ही रखें, बस बंदिश के बोल में थोड़ा सा बदलाव कर दें, मुरे पापी नवाब की जगह आप गाएं मुरे अच्छे नवाब और तूने जुलम कियो की जगह गाएं तोरी उम्र बढ़े। तो जद्दन भाई ने ऐसा ही किया, जद्दन भाई ने बंदिश गाई कि मुरे अच्छे नवाब तोरी उम्र बढ़े नैहर मुरा छुड़ाए दियो रे। तो नवाब साहब सुनते ही फरेफ्ता हो गए, उनको लगा कि वाह क्या बंदिश है, इसमें तो मेरी तारीफ हो रही है, वो लहकने लगे और जद्दन भाई और थिरकवा साहब दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और आंखों ही आंखों में कहा कि भाई तरकीब काम कर गई। और जब महफिल ख़त्म हुई तो नवाब इस कदर खुश थे कि उन्होंने दोनों को यानी जद्दन भाई को और अहमद जान थिरकवा को खूब सारा इनाम व इकराम देकर वहाँ से रुख्सत किया। जद्दन भाई ने थिरकवा साहब का शुक्रिया अदा किया, उनसे कहा कि आज तो आपने बचा लिया, बदले में लखनवी तहजीब की आबरू। थिरकवा साहब ने सिर्फ उन्हें आदाब किया और मुस्कुराते ही रह गए। तो ये अहमद जान थिरकवा साहब पहुँचे आकाशवाणी, आकाशवाणी के आर्टिस्ट थे, अपना चेक रिसीव करने के लिए पहुँचे और जैसा कि दस्तूर है जब चेक दिया जाता है तो साइन लिया जाता है। तो जो ड्यूटी ऑफिसर था जो चेक दे रहा था उसने थिरकवा साहब से कहा कि आप साइन करें। थिरकवा साहब ने उससे कहा कि आप इंक पैड मंगवा दें, मैं अंगूठा लगाऊंगा। ये बात सुनकर वो ड्यूटी ऑफिसर हंस दिया। थिरकवा साहब को ये हंसने की अदा उसकी नागवार गुजरी, उन्होंने अपने तेवर कड़े किए और उससे पूछा कि तुम क्यों हंसे, वो खामोश हो गया। थिरकवा साहब ने उससे पूछा कि तुम इसलिए हंसे ना कि मैंने अंगूठा लगाने को कहा, मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वो कुछ नहीं बोला। अब थिरकवा साहब ने उससे पूछा कि तुम कितना पढ़े हो, अब वो जो ड्यूटी ऑफिसर था उसकी अना ने उसके घमंड ने जोर मारा और उसने कहा कि मैं ग्रेजुएट हूँ। थिरकवा साहब ने उसे घूर के देखा और फिर फरमाया कि ग्रेजुएट इस मुल्क में हज़ारों हैं, अहमद जान थिरकवा सिर्फ एक। वहाँ से मुड़कर आने लगे और फिर वापस मिले और फिर उसकी आंखों में देखकर कहा कि और एक ही रहेगा, वहाँ से चले जाए। शुक्रिया।